जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। होया है मंदिर? आज तो सारा शहर मंदिर बना हुआ है, जिसको देखो गणेश जी के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। हाँ, 10 दिन बाद गणेश चतुर्थी जो है। 10 दिन बाद मतलब 13 तारीख को, मतलब छुट्टी। छुट्टी? तेरे लिए यही मतलब है गणेश चतुर्थी का? उल्लू का पठा। डैड, आपको इसे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे डैड को कुछ मत कहिए। हाँ, तेरे डैड को तो मैं ही कह सकता हूँ उल्लू का पठा। क्यों? क्योंकि तूने आज तक वो काम नहीं किया जो मैंने किया है। मींस कि आप ये चाहेंगे साहब जी पोस्टमैन की ड्रेस पहनकर चिट्ठी बांटें? वो काम तो मैं किया करता था, घर घर जाता था। आज भी मैं घर घर गया, गली गली भटका, और जानते हो मैंने क्या देखा? अपने लिए नया मकान? ओए नहीं, चलिए, मैंने देखा घर घर सफाइयां हो रही हैं गणेश जी के आगमन के लिए, और गली गली में पंडाल लग रहे हैं गणेश उत्सव के लिए। हाँ, सार्वजनिक गणेशोत्सव की प्रथा तो लोकमान्य तिलक जी ने शुरू की थी। मुझे मालूम है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान देशवासियों में एकता की भावना जगाए रखने के लिए उन्होंने सिस्टम शुरू किया था, जो सिस्टम आज तक चला आ रहा है। देखा तो मैंने भी है इन सालों से कि सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होके गणेश जी की मूर्ति के सामने सुबह शाम भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो 21 डेज के लिए भी गणपति रखेंगे। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन ही बिठाते हैं गणेश जी। जैसे कि हमारे लक्ष्मीकांत जी, जिनके यहाँ हम हर साल जाते हैं गणेश दर्शन के लिए। जब तुम लोगों को इतना सब पता है इस त्योहार के बारे में, तब तो तुम लोगों को गणेश जी की आरती भी आती होगी। वही सुख करेगा दुख हरेगा। सुख करेगा दुख हरेगा नहीं पापा जी, सुख करता दुख हरता। हाँ, तेनू आती है? इस पंजाबन को मराठी आरती कहाँ से आने लगी? आई थिंक इट इज संस्कृत डैड। ओए शर्म करो सबके सब, ये पंजाबी मराठी का लेकर बैठ गए। गणेश जी की पूजा तो पूरे देश में होती है और हर जमाने में होती है। आहो, कोई भी नया काम शुरू करने तो पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। हाँ, क्योंकि हर नए काम में विघ्न तो आते ही है, और गणेश जी को तो विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए हर नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है ताकि सारे विघ्न टल जाए। द होल थिंग इज दैट कि हमारे शहर में तो बच्चा जाने गणपति की आरती फ्रॉम बचपन से इन मराठी में। लेकिन इस घर का तो कोई बच्चा नहीं जानता। हमारी फुफ्फी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि बच्चे तो वही जानेंगे ना जो उनके माता पिता जानते हो। और वंश ठीक कहा करती थी तेरी फुफ्फी, इसलिए तुम सबका पिता होने के नाते तेरा नहीं। मैंने फैसला किया है कि इस साल से दुनवा खानदान के घर में भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा। आपका मतलब है हमारे घर पर भी गणेश जी की मूर्ति लाई जाएगी? बिल्कुल, मैंने तो मूर्ति का ऑर्डर भी दे दिया है। ऐ तो तुसी बड़ा ही चंगा किता जी। मैं जो करता हूँ चंगा ही करता हूँ। मतलब जिस तरह हम लोगों के घर दर्शन प्रसाद के लिए जाया करते थे, उसी तरह लोग हमारे घर में आएंगे। हाँ, और हम भी गणेश जी की झांकी को खूब सजाएंगे फूलों से, लाइट से, हम भी रंगोली बनाएंगे, और फिर हम गणेश जी से जो मांगेंगे वो मिलेंगे। मैं तो सुबह सुबह नहाकर तैयार हो जाऊंगा पूजा के लिए। पूजा कौन करेगा, तेरा बाप? मैंने नहीं आती गणेश जी की आरती पापा जी। तो क्या हुआ, हम लोग कैसेट लगा लिया करेंगे, आजकल बहुत कैसेट मिलती है गणेश जी की आरती की। शेम ऑनजू, किसी के भजन के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे तो हो जाएगी तुम्हारी पूजा? बिल्कुल नहीं, पूजा वो होती है जो खुद की जाए, इसलिए तुम सब जाओ अपने अपने रूम में और आरती याद करो। जब आरती याद हो जाए तब दिखाना अपनी शक्लें। ये लो, तुम्हारे लिए आरती की कॉपियां लाया हूं। ओ गॉड, दिस इज संस्कृत। नुर्वी पुर्वी प्रेम कृपा 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 जयाची। तुम बीच में मत बोलो ना, मैं तो आपको याद दिला रही थी। जैसे कि तुम्हें याद हो गया। हो जाएगा, सुख करता दुख हरता, आगे क्या है? इतना तो पापा जी को भी याद है। मुझे याद हो गया, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाच। ए चीटिंग, पूजा में भी चीटिंग? नॉट अलाउड। लेकिन क्यों? पाप लगेगा। कैसा पाप? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी अगर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा जी को देखो ना तो ऐसा पाप लगता है कि देखने वाले पर चोरी का इल्जाम आ जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि चंद्रमा जी हंसे जो थे गणेश जी पर जब वो अपने वाहन पर से मतलब चूहे पर से गिर गए थे, और तभी गणेश जी ने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया था। ये बात पापा जी से मत कहना, वरना वो राजू मामा को चांद देखने पर मजबूर कर देंगे। हम तो पापा जी के सामने तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारी आरती ना याद हो जाए। तो फिर करना याद, हमारे राजू कर रहे हैं ना हमारे लिए याद। बीजी, हम फिर से पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ पुत्र, तू पढ़, मैं तेरे नाल बोलती हूँ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची,
नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठिशे दूराची कंठी झरके मार मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव वाह 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 क्या तस्वीर है इन शब्दों में पूरा मतलब तो मैंने समझ नहीं आया क्योंकि मैं पंजाब में जम पल के बड़ा हुआ मराठी संस्कृति का नॉलेज मुझे कैसे हो सकता है फिर भी इन शब्दों में इतना असर है कि मेरा मन प्रसन्न हो गया इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं भाई मुझे नाज है तुम सब पर पापा जी अब हमें भी आप पर नाज करने का मौका दीजिए पापा जी जरा आरती सुना दीजिए पुत्र ये नाज क्या तेरे लिए कम है कि मैं तेरा बाप हूँ इसका मतलब तुम्हें आरती नहीं आती बड़ी बदहवी होगी मतलब बीजी इज राइट मतलब फिर आरती कौन शुरू करेगा मैं लेकिन घर का बड़ा तो मैं हूँ लेकिन आपको आरती आती नहीं इसलिए आप आरती शुरू नहीं करेंगे पापा जी का एक्सप्रेशन देखा था जब मैंने उनसे कहा कि आरती वो नहीं मैं गाऊंगा हाँ जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लियो पापा जी है ही बच्चे भोले भाले इनसेंट और बच्चों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए आरती पापा जी गाएंगे मैं उन्हें लिख के दूंगा मोटे मोटे अक्षरों में ओ, तो आप पापा जी को चिढ़ा रहे थे बड़ा मजा आता है ना आपको पापा जी को चिढ़ाने में नहीं नम्मू मैं पापा जी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ इनफैक्ट कल सुबह मैं और नीरज जा रहे मूर्ति लेने वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और पापा जी खामखा परेशान हो जाएंगे क्या चले गए मैनू छोड़कर मूर्ति लाने नहीं तो गए दोनों दो मिनट मेरे लिए वेट नहीं कर सकते थे तुम बाथरूम में थे मैं नहा रहा था तैयार हो रहा था मूर्ति लाने के लिए कोई नहीं जी आ जाएगी मूर्ति वो तो आ जाएगी मैं हाँ नहीं करता तो तेरी शादी कहीं कहीं हो जानी थी इतना चाव था मैंने मेरे नाल शादी करने का तो कहीं इतना था लेकिन मैं गल कर रहा हूँ मूर्ति की हर साल लोगों को देखता हूँ नाचते गाते हुए मूर्ति लाते हैं मैं भी वैसे ही करना चाहता था लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे हाथ से मौका छीन लिया सोचा था गणपति जी को सर पर रखकर आवाज लगाते हुए आऊंगा गणपति बाबा मौर्या गणपति बाबा मौर्या कितने एक्साइटेड है ना पापा जी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ माँ सारे मोहल्ले में हमारी डेकोरेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए प्रिया बेटे कोई कंपटीशन है क्या भगवान के आगे दिखावे की सजावट नहीं मन की सजावट होनी चाहिए वही सच्ची सजावट है और गणेश जी के आते ही पूरे घर में आ जाती है रौनक ये सितारे है ना दोनों तरफ लगा देते हैं बीच में आ जाएंगे गणेश जी नहीं नहीं पापा जी ये सितारे तो पीछे लगेंगे बैकग्राउंड में सामने हम ये कलर पेपर लगाने वाले हैं अच्छा तो ला मैं पेपर काटता हूँ पापा जी पेपर तो मैंने काट दिए तो फिर मैं क्या काटूं आप बैठ जाइए ना पापा जी हम कर रहे हैं डेकोरेशन अपने हिसाब से है? मेरी एक्सपर्ट एडवाइस के बगैर तुम लोग डेकोरेशन कैसे कर सकते हो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के बगैर ही कर सकते हैं क्या मतलब मतलब ये कि पापा जी इसे तो मेरी एडवाइस भी नहीं चाहिए इसने सब डिसाइड कर लिया है कि कौन सी चीज कहाँ होगी मैं तो बस देख रही हूँ मैं भी देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ जैसे मूर्ति घर में लाने में मेरी जरूरत नहीं थी उसी तरह डेकोरेशन में भी मेरी जरूरत नहीं है आप तो बुरा मान गए पापा जी बुरा मानने वाली बात तो है ही मेरा भी जी कहता है कि मैं भी गणेश जी के लिए कुछ करूँ पापा जी आप प्रसाद क्यों नहीं बनाते प्रसाद हाँ ये ठीक है पता है शोभा जिस तरह किशन भगवान को मक्खन और दही पसंद था उसी तरह गणेश जी को मोदक प्रसाद झूठा कर रहे हो भूल गई शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे वो प्रसाद नहीं था पहले ये भोग गणेश जी को चढ़ेगा फिर उसके बाद हम सब उनका झूठा खाएंगे अच्छा तो मैं प्रसाद बनाता हूँ मुझे बनाने में मुश्किल पड़ रही है तुसी की बनाओगे तो मैं फल काटता हूँ फल तो हमने काट लिए पापा जी ओहो ये मत भूलो कि गणेश जी को घर में लाने का आइडिया मेरा ही था लेकिन मेरी किसी को जरूरत नहीं ठीक है मैं जाता हूँ हाय लगता है रूठ गए अब इन्हें कौन मनाएगा गणेश जी गणपति बाप्पा पापा जी आई डोंट नो मींस के बीजी बोलिंग इन इंग्लिश में सो व्हाट इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है हाँ सीख गई होगी बीजी भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी पापा जी के साथ रहते रहते हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी जो कमरे में नहीं होता सब लोग उसी का नाम लेते हैं अगर इस कमरे में नहीं है पापा जी तो अपने कमरे में होंगे
पापा जी। नो जवाब। शायद ऊपर होंगे। पापा जी, पापा जी। शायद बाथरूम में होंगे। पापा मैं देखता हूँ। कितनी रौनक आ गई है ना घर में गणेश जी के आने से। हाँ पुत्र, तेरे पापा जी बड़े ही खुश हो जाएंगे। सब कुछ उनके मन मुताबिक हो रहा है। बीजी, पापा जी घर छोड़ के चले गए हैं। क्या? जब तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? एंजेलो कहा तेरे पापा जी ने? आदमी को वही रहना चाहिए जहाँ उसकी कदर हो। कदर? जैसे मेरे गांव वाले किया करते थे मेरी कदर, और आज भी करते हैं। इसलिए 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 क्या माँ? मैं गांव वापस जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या बात करें, खत्म हो गई चिट्ठी? अब मैं वहीं रहूँगा, वहीं करूँगा मैं गणेश जी की पूजा अपनी मर्जी के मुताबिक, तुम्हारा किसी का नहीं पापा जी। आपके पापा जी तो वो वैसे भी नहीं है बीजी, लेकिन ऐसा क्यों किया पापा जी ने? पता नहीं, होगा कोई प्रॉब्लम उन्हें। उनकी गल्ला वही जाने। हाँ, पापा जी तो वही करते हैं जो उनके जी में आता। चले गए घर छोड़कर। अब जाने दो, what can we do? हाँ, हमारा काम काज छोड़कर उन्हें मनाने तो नहीं जा सकते ना। उन्हें तो आरती बाकी है गणेश जी की। मेरे ख्याल से पूजा का सारा सामान आ गया है और घर के सभी यही हैं। हाँ हाँ, सभी यही हैं। नम्रता, निकू, रिया, शोभा, राजू, तू तो मैं। तो फिर चलो पूजा शुरू करते हैं। भूल गया मैनू इन्नी छेती। ये आवाज कुछ पहचानी हुई सी नहीं लगती? ओए, ये मेरी आवाज है। तुम लोगों को सचमुच मेरी परवाह नहीं। मैंने तो सोचा था मेरी चिट्ठी पढ़कर तुम लोग रोओगे, पापा जी कहकर चिल्लाओगे और मैनू ढूंढ कर मना लोगे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पापा जी। हमें मालूम था कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो आपका ड्रामा था, ड्रामा इम्पोर्टेंस लेने के लिए। अरे मैंने थोड़ी इम्पोर्टेंस मिल जाती तो तेरे बाप का क्या जाता था। आपकी इम्पोर्टेंस ये है पापा जी कि गणेश जी की आरती आप ही शुरू करेंगे। और पापा जी, इन्होंने आपके लिए आरती लिख रखी है मोटे मोटे अक्षरों में। पराई जबान आपको याद नहीं होनी है ना? जबान कोई पराई नहीं होती किरण, जबान का बहाना बनाकर लोग पराये बन जाते हैं, भगवान को पराया बना देते हैं। भगवान गणेश जी तो हर भाषा के भक्त के भगवान हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती मराठी में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, हाँ शर्त यह है कि आरती सच्चे मन से हो। मींस क्या हम हमारी जबान में भी आरती कर सकें? तेरी समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है तो बोल, भगवान सब समझते हैं। इसलिए मैं भी उसी भाषा में आरती बोलूंगा जो मुझे आती है। हाय हाय, तो क्या आप पंजाबी में आरती गाएंगे? आइडिया बुरा नहीं है तेरा, लेकिन वो अगले साल। इस साल तो वही भाषा होगी जो इस घर में बोली जाती है। आफ्टर ऑल आज से गणेश जी भी इस घर के मेंबर हैं। जय गणेश। सुंदर, बहुत सुंदर भाई। सूरज, सब लोगों को लेकर हमारे घर भी आना गणेश जी के दर्शन के लिए। जरूर आएंगे। नमस्ते पापा जी। आओ आओ लक्ष्मीकांत, बैठो। तुम्हारे यहाँ तो 10 दिन के लिए गणपति बैठाते हैं ना? जी हाँ जी हाँ, लेकिन आपने तो 1.5 दिन के लिए गणपति रखा है ना? ये बड़ा अच्छा किया आपने भाई। सूरज, बड़ी समझदार है तुम्हारी वाइफ, नहीं तो एक हमारी श्रीमती जी है, उसकी तो मत ही मारी गई है। पूरे 10 दिन के लिए गणपति रखा है घर में। ओए, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है पापा जी, मुझे कितनी तकलीफ होती है मालूम है? जब तक गणेश जी घर में है तब तक मांस मच्छी पीना कुछ भी अलाउड नहीं है घर में। हाँ, इसीलिए तो मैं बीच में ही जा रहा हूँ 4 दिन के लिए कलकत्ता। लेकिन लक्ष्मीकांत, तुम्हारे कलकत्ता जाने का प्रोग्राम तो अगले महीने का था। यार मैंने चेंज कर दिया है, कम से कम 4 दिन तो खाना पीना मिलेगा घर से दूर रह के। घर से तो दूर रहेगा लक्ष्मीकांत, लेकिन अपने आप से कैसे दूर रहेगा? तेरा वो अपना आप जो तूने 10 दिन के लिए गणपति जी के अर्पण किया है, बेईमानी करेगा अपने आप से? पुत्र, सिर्फ भक्त कहलाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, ईश्वर प्राप्त होता है श्रद्धा से। श्रद्धा रखेगा तभी तेरी आराधना पूरी होगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो अब सोच ले। मैंने सोच लिया है, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा पूरे 10 दिन।
और गणेश जी की सेवा करूंगा दिन रात। गांव में जब माता का जागरण होता था तो भजन कीर्तन और कहानियां सुन सुनकर सारी रात निकल जाती थी। लेकिन पापा जी, यहाँ तो लोग रात भर सिगरेट पीइंग, ताश खेलिंग, जुआ खेलिंग। ये तो बड़ी गलत बात है। पापा जी, आप हमें गणेश जी की कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ जरूर, इसके लिए तो मैंने बहुत होमवर्क किया है। तुम लोगों को पता है कि गणेश जी का एक भाई भी था? हाँ जी, हमें मालूम है, कार्तिक जी। एक दिन शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिक और गणेश से कहा, पुत्रो यात्रा पर जाओ, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा वो विजय कराएगा। कार्तिक तो निकल पड़े फौरन अपनी तेज मोर की सवारी पर, लेकिन गणेश जी की सवारी तो थी चूहा। भला चूहे और मोर का क्या मुकाबला। गणेश जी चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे। तब शिव और पार्वती ने कहा, पुत्र कार्तिक तो कहां का कहां निकल गया होगा, तुम भी उठो चलो यात्रा पर। तब गणेश जी उठे और अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और बैठ गए। जब कार्तिक लौटा तो उसने सोचा उसकी विजय हुई है, लेकिन शिव और पार्वती ने कहा कि विजय गणेश की हुई है, क्योंकि इसने अपने माता पिता को ही अपनी पृथ्वी समझकर उनकी प्रदक्षिणा की है। ठीक उसी तरह हमारा पुत्र हमें विश्व मान के हमारी इतनी सेवा करता है। मुझे यकीन है साडा नीरज भी अपने माता पिता की उसी तरह सेवा करेगा। और जिस तरह सूरज ने हमें गांव से यहाँ बुलाया है, ये सूरज को यहाँ से अमेरिका बुलाएगा। अमेरिका बुलाएगा ना, एक शर्त पर, वहां भी हम हर साल गणेश चतुर्थी मनाएंगे और कहेंगे गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया।